हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. या क्या, हाँ गुड मॉर्निंग. अभी 5 मिनट बचे हैं 12 बजने के लिए. तो आज हम पढ़ेंगे कि टू ब्लॉक सिस्टम. अच्छा, अभी तक हम जितने सारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर ले, वो सारे क्या सारे फ्रिक्शंस के ऊपर था. बेसिकली मैं बस रैपिड रिवाइज कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाया क्या अभी तक आपको. मैंने पढ़ा आपको काइनेटिक फ्रिक्शंस पढ़ाया, और एक पढ़ाया मैं आपको स्टैटिक फ्रिक्शंस पढ़ाया. उसके बाद हम एंगल ऑफ रिपोज पढ़े और एंगल ऑफ फ्रिक्शंस पढ़े. बस अभी तो चार ही कॉन्सेप्ट पढ़े, और ये फ्रिक्शन के ऊपर कुछ सवाल किए थे हम लोग, जो कि बहुत आसान आसान सवाल था. आप लोग कर लियो डेफिनेटली. नोट्स कहाँ थे भेजे? पूरा पूरा पूरा. आप तो बहुत कुछ सिखा देंगे आज, पर कल हमारी कल बात लैग जाएगी. बोलते बोलते कल बात लैग हो जाएगी. आपका एनएलएम कंप्लीट चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल, एनएलएम कंप्लीट है ना सर? बोलो तभी मैं समझ गया सर. एक मिनट, ओके. कहाँ तक अब तक? अरे अब तक नहीं चाहिए आपको, पूरा एनएलएम पूरा चाहिए. फ्रिक्शन अभी नहीं चाहिए, फ्रिक्शन बाद में. ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे टू ब्लॉक सिस्टम. आपको याद है न्यूटन सुप्रीम कोर्ट में था, उसके ऊपर केस चल रहा था कि भाई ये क्यों ब्लॉक क्यों क्यों मूव नहीं किया, वो सब कुछ कैसे वगैरह चल रहा था. नहीं, अच्छा वाट लग जाएगी. पढ़ो आप अच्छे से कहाँ तक मतलब. हाँ यस, ठीक है. तो न्यूटन जब सुप्रीम कोर्ट में था, इतना सारा सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद कि फ्रिक्शन कहाँ से होता है, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है, दुनिया जानने के लिए दुनिया तो एक क्या जन्नत है, पर देखने के लिए दुनिया एक नजारा. तो वैसे वाला सारे डायलॉग मारने के बाद जो न्यूटन ने बोले, न्यूटन डेडलाइन संडे तक, अभी असरज आ गया, ठीक है ना. तो न्यूटन ने उसके बाद बोले बोले कि देखो साहब, माय लॉर्ड, मैं आपके लिए और एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ. और वो कॉन्सेप्ट कौन सा? वो कॉन्सेप्ट ये वाला कॉन्सेप्ट है. कौन सा कॉन्सेप्ट? कि टू ब्लॉक सिस्टम. हम देखेंगे क्या होता है. और वो टू ब्लॉक सिस्टम है, वो बोले कि माय लॉर्ड, आप एक कहा ये इन्फॉर्मेशन करे, ये वाला आपका बच्चे को नीट और जेई के लिए हेल्पफुल करेगा. न्यूटन थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई करते थे, तो शायद उनको पता था कि ये जर साहब आप ही सीखे, आप अपने बच्चों को बताइए, और नीट और जेई के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन तो आएगा. स्टार्टिंग पीडीएफ और बाकी के सेंड करने का नहीं, नहीं बस सेकंड वाला ना, सेकंड वाला और कुछ नहीं. समझ गए ना? अब हम सीखते हैं कि टू ब्लॉक सिस्टम क्या होता है ना. एक क्वेश्चन है, न्यूटन भी पता था कि जेई और नीट आगे जाके होने वाला है, तो पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट को जाके बोल दिया कि आप सीखे आप ये सारी चीज, तो आपको हेल्पफुल रहेगा. समझ गए ना? तो अब हुआ क्या ना, अब हुआ क्या बेसिकली, तो अब हम पढ़ते हैं टू ब्लॉक सिस्टम. न्यूटन बाबा की जय हो, क्यों क्यों सिखाया ये सारी चीज. अच्छा, हमें नॉर्मली पता है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, बट ये गलत है. फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. रिलेटिव मोशन समझो, देखो जैसे कि मान लो मेरे पास ये दो सिस्टम से एक इधर गया किधर गया, चलो लाया नहीं मैंने, एनीवे कोई दिक्कत नहीं, बुक्स है ना हमारे पास, ये फिजिक्स नीट का सीपी सिंह का बुक है. एनीवे देखो, हमारे पास अगर ये वाला ब्लॉक और ये वाला आपका पास बुक है. अच्छा, ये दोनों ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. जब मैं इसको इसके ऊपर रख दूं, अब जब मैं इसके से मूव कर रहा हूँ, इसको मूव कर रहा हूँ, तो फिर भी ये ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है? ब्लॉक तो मूव नहीं करना चाहिए था, आप समझ रहे? अगर मैं इसके ऊपर ये चीज रखा और मैं फोर्स किसको एग्जर्ट कर रहा हूँ, मैं तो फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा हूँ, फिर भी ब्लॉक ही क्यों मूव कर रहा है? ब्लॉक इसीलिए मूव कर रहा है क्योंकि ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन है. अगर ये दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होता, तो डेफिनेटली ये वाला ब्लॉक ऐसे, ये वाला ऐसे. देखो फ्रिक्शन नहीं है, कैसे देखा था, मान लो इसको ऊपर उठा दिया, ठीक है ना, इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक ऐसे, ये वाला बुक ऐसे चलाएगा, वैसे नीचे गिर जाएगा. समझ गए? ऐसे होता है रियलिटी में ना, ऐसे रियलिटी में होता. बट देखेंगे हम सच में, देखेंगे कि सच में ऐसा होने वाला है. तो ये बोले कि फ्रिक्शन की वजह से ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को बंद नहीं करता है, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को बंद करता है. कैसे? ये वाला ब्लॉक, ये वाला जो बुक और ये वाला जो ब्लॉक, इनके अंदर रिलेटिव मोशन, ये वाला जो फ्रिक्शन है, वो इन दो बीच के अंदर जो मोशन है वो अलाउ नहीं करेगा. मतलब मैं इसको अगर ऐसे लेके जाऊंगा, तो ये बोले भाई मेरे को भी तेरे साथ जाना है. क्यों? रिलेटिव मोशन को वो अपोज नहीं करता, अपोज करता है, बट मोशन को अपोज नहीं करता है. ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस केस में ये वाला बुक, ये वाला फ्रिक्शन क्या किया? फ्रिक्शन इसका मोशन का कॉज हुआ, रिलेटिव मोशन को वो रोका, वो जान नहीं दिया. और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि सरफेस कैसे है, इनके अंदर फ्रिक्शन फोर्स कैसे है. समझ गए? अच्छा, और एक चीज देखते हैं, और एक चीज देखते हैं. अब थोड़ा सोचो, एक बार थोड़ा रिप्लाई करो, कुछ इसमें थोड़ा दिक्कत नहीं होना आई गेस. देखो मतलब बुक से देखा तो क्यूब रेस्ट पे है. हाँ बिल्कुल सही, बुक से देखा तो क्यूब रेस्ट पे है. वो चाहता है कि वो रिलेटिव मोशंस को ये करे. देखो इसके जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा, तो देखो दोनों ही बुक्स मूव कर रहे हैं, ये वाला बुक मूव कर रहा है, ये वाला बुक भी मूव कर रहा है. अच्छा, जब मैं इसको ऐसे मूव करवा रहा हूं, तो नीचे वाला ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा है,
नीचे वाला ब्लॉक इसीलिए मूव नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे मेरे हाथ और ये वाला जो बुक उनके अंदर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, इसलिए मूव नहीं कर रहा है। हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। अरे हम कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे तो समझेगा। अभी आपको ये फील नहीं आ रहा है क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे ये फील आ रहा है कि मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। रुको बस, जब मैं ये ब्लॉक को इसके ऊपर रखा और जब मैं इस बुक को जब ऐसे मोशन में लाऊंगा, तो देखो ये बुक और ये दोनों मूव ही कर रहे। क्यों मूव कर रहे? क्योंकि इनके अंदर कुछ फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा, जब मैं ब्लॉक को मूव करूंगा तो ये तो मूव नहीं कर रहा है, मैं जब इसको मूव कर रहा हूं ये भी मूव कर रहा है, पर जब मैं इसको मूव कर रहा हूं ये मूव नहीं कर रहा है। क्या कुछ ऐसे हो सकता है मैं इसको ऐसे मूव करवाऊंगा फिर भी ये मूव होगा? हाँ हो सकता है। कैसे होगा? जब ये वाला ब्लॉक और ये वाला बुक के अंदर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ये वाला बुक और ये वाला बुक के अंदर फ्रिक्शन कम होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मैं इसको ऐसे मूव करवा रहा हूं तो क्योंकि ये दोनों के अंदर फ्रिक्शन ज्यादा है इसीलिए ब्लॉक मूव कर रहा है। जब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं तो क्योंकि इसका और इसके अंदर जो फ्रिक्शन, इसका और इसके अंदर जो फ्रिक्शन वो कम है, ये कम है और ये ज्यादा है, इसलिए ब्लॉक तो मूव कर रहा है, बट उसके बावजूद भी ये वाला बुक मूव नहीं कर रहा है इसके साथ, क्योंकि ये वाला फ्रिक्शन फोर्स, ये जो बुक और ये वाला बुक के अंदर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। अच्छा, कैसे भी करके मैं अगर ये दोनों का फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ा दिया इस फ्रिक्शन फोर्स के कंपेरेटिव में, तो डेफिनेटली ये वाला ब्लॉक मूव करना चाहिए, हाँ या नहीं? ब्लॉक नहीं, बुक मूव कर रहा है एक्चुअली, सिर्फ ब्लॉक इज लेजी, दैट्स व्हाई इट इज सकिंग। हाँ तो अच्छा क्या करे, बताओ क्या करे ताकि मैं ये दो चीज को अंदर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा दूंगा और सच में ये मूव करने लगेगा। मैं इसके ऊपर फोर्स दूंगा बट ये मूव करने लगेगा। कुछ कर सकते हैं? थोड़ा सोचो, ऐसा कुछ हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। मैं अगर इसके अंदर अगर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा दूंगा और सिर्फ इसको ऐसे खींचूंगा तो डेफिनेटली ये वाला मोमेंटम, अच्छा मुझे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या करूं? देखो मैं ना नॉर्मल ऊपर का फ्रिक्शन ज्यादा कैसे करे देख, ये देख मैंने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिया, अब देख चलेगा नहीं चला? अच्छा एक काम करता हूं, इसमें नहीं चलेगा, मैं ट्राई किया था, ये है ना, ये वाला देख, ये वाला मोबाइल है, अब मोबाइल को मैं इसको रखू तो वो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब देख, अब चलेगा, कैसे चलेगा देखो, मैं दिखाता हूं, चल मेरा घोड़ा देख चल रहा है, देखा मैंने इसको प्रेस किया, देखो मैं बुक को हाथ में नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि देख ये वाला जो मोबाइल है ना, मेरे जो पीछे वाला मोबाइल, वो बहुत फ्रिक्शन है, ये बहुत बहुत रफ है, दिख रहा है आपको आवाज दिया, ये बहुत फ्रिक्शन है, बट इसमें ज्यादा फ्रिक्शन नहीं था, ये बहुत है ना, बहुत 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 स्मूथ था, बहुत ही स्मूथ था, इसलिए मैं इसको ज्यादा खींच तो रहा हूं फिर भी जा तो नहीं रहे, ये नहीं जा रहे दिखा, ये नहीं जा रहे। बट मोबाइल को जैसे मैं इसके अंदर ज्यादा फ्रिक्शन, इसके अंदर ये था फ्रिक्शन फोर्स था, तो मैं जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन डालूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन वैसे ये वाला फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ गया, ये तो सरफेस के अंदर कोएफिशिएंट ज्यादा बढ़ गया, देखो देखा ये वाला मूव कर रहा है, चल मेरा घोड़ा, मम्मी एग्जाम फेल 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 फेल, समझ गए ना, ऐसा होता है। हम देखेंगे सरफेस रिजिड है इसलिए पहले बुक ही नहीं मूव कर रही थी, हाँ हाँ क्लियर है क्या, या फिर कोई डाउट है? इधर तक क्लियर हुआ, मतलब कुछ ना कुछ तो कंडीशन में डेफिनेटली मूव करेगा, क्या कर जा मैं, हाँ देख इसमें कर गया, देखा मैं इसमें ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स डाला, इसलिए सबको रिप्लाई करो एक बार, क्लियर हुआ या फिर, ऑफकोर्स हम लोग क्वेश्चन करते हैं आप ज्यादा क्लियर हो जाओगे, या फिर अगर मैं इसको रखू, नहीं ये तो मूव नहीं करेगा, पता नहीं, एनीवे चलो क्लियर हुआ। राधिका मुझे पूछ रही थी कि सर एक बार रिपीट करो, क्या क्लियर हुआ वाले चीज, हम लोग डिटेल से पढ़े, टेंशन मत लो। तो उन्होंने वही चीज, अरे इतना क्या कुछ हो गया, अच्छा उन्होंने ये बोले कि अगर है ना, कि अगर इनके अंदर कुछ फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू वन और ये वाला फ्रिक्शन फोर्स म्यू टू होगा, तो डेफिनेटली है ना, तो डेफिनेटली क्या होगा, जब मैं इसको फोर्स डालूंगा तो हो सके ब्लॉक मूव करे या फिर ना भी करे, क्या पता। अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर ज्यादा होगा और फ्रिक्शन फोर्स इधर कम होगा तो डेफिनेटली हो सके कि ये वाला ब्लॉक उसको ऐसे खींचते लेके जाए और ये वाला ब्लॉक नहीं जा पाएगा या फिर ये वाला ब्लॉक चले जाएगा। मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, वो डिपेंड करता है फोर्स। देखो मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, अच्छा मुझे बताओ जब मैं इस मोबाइल के ऊपर ये वाला ब्लॉक को रखा और मैं मोबाइल को कुछ फोर्स दिया, देखो मोबाइल को कुछ फोर्स दिया, मोबाइल मूव कर रहा है, तो इसके साथ ये भी मूव कर रहा है,
बट मोबाइल को अगर मैं ज्यादा फोर्स दे दूंगा, मैंने मोबाइल को देखो ज्यादा फोर्स दिया, बहुत कम टाइम में ज्यादा फोर्स दे रहा हूं, तो क्या ये क्या क्या ये उसके मूव कर पा रहा नहीं कर पा रहा? देखो मैं इसको ऐसे खींच कर रहा हूं, दिख गया? तो हो सके कि मैं जो मोबाइल को ज्यादा फोर्स दूं तब ये मूव ना करे, ये वाला मूव ना करे, पीछे हट जाए। यही सब कुछ एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो देखते हैं, देखेंगे कि कुछ होगा ऐसे। जैसे कि मान लो मैं इसको पर अगर ज्यादा फ्रिक्शन, देखो सिंपल क्या है, जैसे मान लो ये वाला जो आपका ये वाला म्यू वन है, तो इसके ऊपर ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन एम वन का वैल्यू कितना, वो एन वन का वैल्यू कितना आएगा, म्यू वन टाइम्स ऑफ नॉर्मल मतलब फ्रिक्शन फोर्स है ना, सॉरी ये वाला फ्रिक्शन क्या हो गया, ये दोनों का नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, एन टू मान लो, और इस केस में एन वन का वैल्यू कितना आएगा, मास टाइम्स ऑफ जी, एन वन का वैल्यू आएगा एम वन टाइम्स ऑफ जी आएगा, और इस केस में जो एन टू का वैल्यू कितना, एम वन प्लस एम टू आएगा, N2 का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G आ जाएगा। ये बात समझ में आया है ना? नहीं तो इस केस में डेफिनेटली म्यू का वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके इधर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, और इस केस में म्यू2 का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, तभी जाके ये वाला जब इधर फोर्स डालूंगा तो इधर ये वाला ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगना चाहिए, तभी जाके ये ब्लॉक मूव करेगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब थोड़ा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, समझ गए ना? हमें करना है क्या, तो मैं आपको समझाता हूँ। पहला चीज हमें यह करना होता है कि फ्रिक्शन फोर्स दोनों जगह, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, हमें पहले दोनों जगह में फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, दोनों जगह में एक क्वेश्चन आते हैं मैं बता रहा हूँ, और सेकेंड केस में क्या करना चाहिए, कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, कॉमन एक्सेलरेशन निकालना होता है। आपको ये चीज फील इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको पता नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करने जा रहा है, तो बस रुको। और एक निकालना है कि चेक करना है कि ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तीन चीज बस याद रखो, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, दूसरा करना होता है कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, उसका चेक करना है कि सही या गलत है। हाँ, लेजी स्प्रिंग जैसा होता है, कुछ पता ही नहीं ब्लॉक कुछ को सर। ओह, तेरे को स्प्रिंग अच्छा लगे क्या, प्यार हो गया स्प्रिंग से? चल देखो क्वेश्चन करते। अच्छा मुझे पता है लॉजिकल जीवन, लॉजिकल बताओ, समझो इस चीज को। मान लो इसके अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स जो कि म्यू इक्वल टू जीरो है, और ये वाला म्यू इक्वल टू 0.5 है। अब मुझे बताओ, अगर मैं 2 kg ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया, लेट सपोज मैंने 2 kg ब्लॉक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, क्या ये 5 kg ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? अगर मैं 2 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो मुझे बताओ क्या 5 kg ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल सही, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके अंदर तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, मतलब सरफेस पूरा स्मूथ है। अगर सरफेस ही स्मूथ है तो ये वाला मूव ही क्यों करेगा, इसके ऊपर कोई फोर्स ही एक्ट नहीं हुआ। चलो अच्छा, दूसरा केस मान लो, अब मैं आपको पूछा कि नहीं, मैं अगर इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, मान लो सिर्फ 5 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो बताओ क्या 2 kg ब्लॉक मूव करेगा नहीं करेगा? हाँ नहीं करेगा, करेगा मृदु कैसे क्या करेगा? मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया, मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, मैं सिर्फ 2 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो भी क्या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? थोड़ा सोचो। जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो इसके ऊपर फ्रिक्शन तो है ही नहीं, आप समझो, इसके ऊपर तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं है तो ब्लॉक दोनों मूव नहीं करेंगे। तो अगर ब्लॉक दोनों मूव करना पड़ेगा तो उनके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो होना ही चाहिए, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ये ग्राउंड थोड़ा मूव करेगा, ग्राउंड तो ग्राउंड के अंदर डेफिनेटली होगा पर मूव तो नहीं करेगा, ये तो लॉजिकल है, हम डेफिनेटली कैलकुलेट करेंगे मेथड, बहुत सारी चीजें, तो वही सब कुछ लिखा हुआ है, क्या होगा है ना, व्हाट विल हैपन, ये अगर फोर्स अगर 2 kg ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करेंगे, या अगर हमारे पास ब्लॉक ए है या अगर बी है, तो सिर्फ ए ही मूव करेगा, बी मूव नहीं करेगा। अगर मैं 5 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो मेरे पास सिर्फ ब्लॉक 5 kg ही मूव करेगा और 2 kg मूव नहीं करेगा। फ्रिक्शन होता तो क्या होगा हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है? चल देखते हैं है ना, क्या करें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन मैं कर दूंगा आपको उसके बाद करना, हम लोग बहुत सारे कंडीशन लेंगे, बहुत सारे कंडीशन लेंगे, टेंशन लो, एनालिसिस करने क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। देखो मान लो 10 N का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया और ये म्यू का वैल्यू इधर 0.4 है और ये वाला में फ्रिक्शन तो है ही नहीं, इसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, तो हो सके ब्लॉक मूव करे, हो सके दोनों ही मूव करे। क्वेश्चन ऐसे आता है कि इनका एक्सेलरेशन बताओ, ये कितना एक्सेलरेशन मूव करेगा और ये कितना एक्सेलरेशन मूव करेगा, यही क्वेश्चन आता है बस, है ना? तो हमें पहला स्टेप क्या करना था, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स निकालना होता है।
तो पहला स्टेप है फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कहां पर आएगा? इधर ही कहीं पर आएगा। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू कितना? म्यू है 0.4। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 2 kg के लिए। बस फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहा हूँ। 2 kg के लिए कितना आएगा? 2 के लिए 20 into 4 आएगा 8 newton। तो 20 आएगा, ये वाला रहा है 8 newton का फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है। सिंपल है ना, 8 newton फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अच्छा। अब करना क्या होता है, समझो, है ना, समझो इस चीज को। हमें कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है। कॉमन एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब मान लो, फिलहाल के लिए पहले हम मान लेंगे कि ये दोनों ब्लॉक एक ही हैं, ठीक है ना। फिलहाल के मान लेंगे कि दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूव कर रहे हैं, मान लेते हैं कॉमन एक्सेलरेशन निकले, मान लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में कॉमन एक्सेलरेशन निकाल के पहले मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूव कर रहे हैं। तो दोनों ब्लॉक अगर एक साथ मूव करेंगे तो मेरे पास ये कैसे बन जाएगा? ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये मेरे पास 7 kg का ब्लॉक है, और हो क्या रहा है बेसिकली कि इसको पूरा को मैंने 10 newton फोर्स से अप्लाई किया, 10 newton। तो इसका जो कॉमन एक्सेलरेशन, वो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा? 10/7 आ जाएगा। इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चलना चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, देख अप्लाई तो फोर्स में 2 kg ब्लॉक के ऊपर किया, बट प्रॉब्लम किसका? प्रॉब्लम है क्या 5 kg ब्लॉक मूव करेगा 10/7 से? वो हमें चेक करना होता है। ध्यान दो, बस 2 मिनट के चुपचाप बैठना, 2 मिनट के चुपचाप बैठना, ठीक है। तीसरा केस क्या, हमें चेक करना होता है। चेक कैसे करेंगे? देख सिंपल चीज है, पहले तो मैं 2 kg ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा। इस तरफ आ रहा है 10 newton का फोर्स, और इधर एक फ्रिक्शन फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स को ना 8 newton है। ये कौन सा? ये 2 kg ब्लॉक का। जब 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो 5 kg ब्लॉक के ऊपर देखो, इस फ्रिक्शन फोर्स का रिएक्शन फोर्स भी तो लगेगा, और रिएक्शन फोर्स कौन सा आएगा? इस तरफ अगर इस ब्लॉक के ऊपर 8 newton अप्लाई हो रहा है, तो इसका एक्शन रिएक्शन पेयर में ये वाला ब्लॉक भी 8 newton का फोर्स इसको खींचेगा। सिंपल एंड आसान है। तो डेफिनेटली ये वाला जो 5 kg ब्लॉक को ये 8 newton पे खींचेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे पता है कि ये जो पूरा सिस्टम कितना 10/7 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है, तो ये 10 newton, ये 8 newton होने के बावजूद भी ये 10/7 से मूव कर रहा है, ये 8 newton होने के बावजूद भी ये 10/7 से मूव कर रहा है। तो ये वाला जो 8 newton का फोर्स है ना, इसका मास कितना? इसका मास है 5 है, और एक्सेलरेशन 10/7 है। तो फोर्स इसको कितना चाहिए? ये वाला जो 5 kg ब्लॉक को आगे 10/7 मीटर पर सेकंड में मूव करने के लिए उसको फोर्स कितना चाहिए? उसको फोर्स रिक्वायर्ड, इस ब्लॉक को 5 kg ब्लॉक को कितना फोर्स चाहिए? 5 kg ब्लॉक को मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए। मास कितना? 5। एक्सेलरेशन कितना था? 10/7 था। तो कितना आएगा? 50/7 न्यूटन का फोर्स चाहिए। मतलब ये कितना आएगा? 7.1 newton के आसपास चाहिए। 7.1 newton के आसपास चाहिए कौन सा ब्लॉक को? ये 5 kg ब्लॉक को, ताकि वो 10/7 मीटर पर सेकंड में मूव करे। पर क्या इस ब्लॉक के पास, हम चेक कर रहे हैं, क्या ये ब्लॉक के पास 7.1 newton है? हाँ है। कितना है? 8 newton है। 8 newton तो बहुत ज्यादा हो गया, उसको तो 7.1 newton ही चाहिए था 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चलने के लिए। तो इसीलिए ये वाला ब्लॉक, ये दोनों ही ब्लॉक डेफिनेटली मूव करेंगे 10/7 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से। हाँ, पूछो राधिका। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान सुनना एक बार, है ना। मुझे पता है थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, सुनो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, इसको ध्यान दो ना, इसको ध्यान दो, सुनो अच्छे सुनो। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे कि ये दोनों का, या फिर ऐसे कर लो, पहले दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकालो। पहले चीज, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा? कॉमन एक्सेलरेशन आएगा, नेट फोर्स पूरा सिस्टम के ऊपर है 10, और नेट जो मास है वो कितना? 7। तो इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये ब्लॉक मूव करना चाहिए, दोनों ही मूव करना चाहिए। फोर्स मैंने किसके ऊपर अप्लाई किया? फोर्स मैंने 2 kg ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया। तो मुझे प्रॉब्लम किसके साथ है? मुझे प्रॉब्लम 5 kg ब्लॉक। तो क्या 5 kg ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 5 kg ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड में जाने के लिए उसको कितना फोर्स चाहिए? उसको चाहिए 5 into acceleration चाहिए, मतलब 5 into 10/7 चाहिए, जो क्या आएगा? 50/7, जो क्या आएगा? 7.1 newton। इतना चाहिए, इतना इस ब्लॉक को चाहिए, फोर्स चाहिए। पर क्या इस ब्लॉक के पास फोर्स उतना है? चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करूं? ऐसे चेक करना पड़ता है। चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना है फ्रिक्शन फोर्स कितना है।
जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो इसका फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, देख इस तरफ सॉरी ये वाला ना, ये वाला ब्लॉक के ऊपर कौन सा, ये वाला ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा और इसका फ्रिक्शन का जो रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ एक्ट होगा इस ब्लॉक के ऊपर। फोर्स एक्ट्स इन पेयर बट ऑन डिफरेंट बॉडीज, याद है न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, उससे आ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा एफ फ्रिक्शन मान लो, वो आएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू का वैल्यू कितना है 0.4 है और नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ 2 kg ब्लॉक के लिए ही अप्लाई होगा जो कि 20 आएगा, मतलब 8 न्यूटन। 5 kg ब्लॉक के पास, 5 kg ब्लॉक के पास कितना फोर्स है, फोर्स है उसके पास है 8 न्यूटन, चाहिए कितना उसको, उसको 7.1 न्यूटन। तो डेफिनेटली बोथ द ब्लॉक विल मूव, बोथ द ब्लॉक विल मूव टूगेदर with an acceleration of 10/7 m/s। ये बात समझ में आया? हाँ सर, 7 pound चाहिए और हमारे पास 8 न्यूटन तो वो फास्ट मूव करेगा। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, पिछले एग्जांपल तो लेते थे पर अब क्यों नहीं सर? पर इसमें अब हमने एक्सेलरेशन लेते समय फ्रिक्शन फोर्स क्यों नहीं लिया? नहीं वही तो मैं समझा ना, इस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो गया, मैंने सिस्टम देखो इसके अच्छा नहीं किया तो फ्रिक्शन फोर्स तो इंटरनल फोर्स हो गया ना, वो खत्म हो गया इंटरनल फोर्स, समझ रहे हो आप? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं उसके पास इतना फोर्स है। देख ये क्या करेगा, ये इसको चाहिए पूरा सिस्टम को अगर एक्सेलरेट करना पड़ेगा उसको कितना 10 upon 7 m/s कर में जाना, मतलब जाना चाहेगा ये दोनों ना, दोनों ही है ना, दोनों ही है। अब अगर दोनों मूव करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो देखेंगे आगे जाकर, हम देखेंगे अगर मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा है ना, वो आपको एनालिसिस करेंगे धीरे, पास रुको थोड़ा। बट अगर दोनों ही अगर 10/7 m/s मूव किए तो ये दोनों को अंदर जो ये दोनों का जो फ्रिक्शन फोर्स वो उसको ज्यादा नहीं चाहिए, वो दे सकता है 8 न्यूटन तो दे सकता है, पर उसको अभी कितना देना पड़ रहा है, अभी जो फ्रिक्शन फोर्स वो 7.1 ही देना पड़ रहा है, ज्यादा नहीं देना पड़ रहा है उसको है नहीं। ऐसे क्वेश्चंस तो मजा आएगा सर, देखते हैं या फ्रिक्शन ना रिलेटिव मोशन जीरो, हाँ बिल्कुल इसमें रिलेटिव मोशन जीरो आ रहा है। हम थोड़ा रुको ना, थोड़ा रुको बस, देखेंगे अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मतलब समझो, अच्छा आगे देखो, अगर फोर्स को मैंने इंक्रीज किया तो क्या हुआ, मान लो मैं इस तरह 35 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और ये भी बाकी सारी चीज सेम है, तो सुनो करना क्या होता है करना, हाँ रुको करो ट्राई करो, मुझे एक दो क्वेश्चन, अरे बहुत क्वेश्चन है ना, बहुत क्वेश्चन है, पागल हो जाओ क्वेश्चन करते होते, टेंशन मत लो, मुझे पता है इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना ठीक है। तो पहला स्टेप हमें क्या करना होता है, कॉमन एक्सेलरेशन करना होता है, तो कॉमन एक्सेलरेशन हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू आता है नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास 7 आएगा 5 m/s², मतलब ये बोल रहा है कि 2 kg ब्लॉक भी 5 m/s में जाएगा और 5 kg ब्लॉक भी 5 m/s में जाएगा, ये तो जा सकता है, 2 kg ब्लॉक को कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसको ऐसे खींचा ना, ऐसे खींचा, बट प्रॉब्लम किसके साथ है, प्रॉब्लम 5 kg ब्लॉक के साथ है, क्या 5 kg ब्लॉक 5 m/s में जा सकता है, देखते हैं। सेकंड के समय क्या लेना पड़ेगा, एफ रिक्वायर्ड, कितना फोर्स जरूरत है बताओ, फोर्स जरूरत है एम टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 5, तो इसको 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, क्या क्या हमारे पास एफ अवेलेबल, फ्रिक्शन फोर्स क्या अवेलेबल इतना है, नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल कितना है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन 0.4 × 20, मतलब 8 न्यूटन का फोर्स मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास 10 तो है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये वाला ब्लॉक मूव नहीं कर सकता, ये वाला ब्लॉक 5 m/s² मूव ही नहीं कर सकता। अच्छा 25, सॉरी, गलती मेरा, ठीक है 25 न्यूटन, समझ गए, प्रॉब्लम ये है कि ये वाला ब्लॉक 5 में जा ही नहीं सकता, जाने के लिए उसको 25 न्यूटन का फोर्स चाहिए, बट इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, इसके ऊपर एक ही फोर्स है, वो कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स है, और तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये 5 m/s जा ही नहीं सकता, अब क्या करे सर, तो बताओ, तो क्या ब्लॉक मूव नहीं करेगा, हाँ ब्लॉक मूव करेगा, थोड़ा ही मूव करेगा, कितना मूव करेगा देखते, अब क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया, मतलब अभी हमें समझ में आया कि ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल नॉट मूव टुगेदर, ब्लॉक दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ये अगर पहले चल जाएगा तो थोड़ा लेट भी जाएगा, जैसे कि ये वाला कंडीशन मैं आपको बता रहा था, ऐसे देखो अब ये थोड़ा मूव तो किया, थोड़ा बहुत 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 कम टाइम है, बहुत कम टाइम में हो रहा है, ठीक है, बहुत कम टाइम, ऐसे ऐसे ये थोड़ा मूव तो किया बट बहुत
मतलब इसका एक्सेलर जितना था इसका एक्सेलर थोड़ा कम था, वही हम देखने के लिए जा रहे हैं ना, वही हम देखने के लिए क्या हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है तो हमारा वो कॉमन सिस्टम वाला काम नहीं करेगा। हमने तब से पढ़ के आए हैं कॉमन सिस्टम तभी ले सकते हैं जब एक्सेलरेशन सेम होगा दोनों तरफ। कॉमन सिस्टम नहीं ले पाऊंगा, अब दोनों को ऐसे सेपरेट सेपरेट करो, दोनों को अभी सेपरेट करो। तो अब क्या करो, अब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनो, ये मेरा फोर्थ स्टेप है। क्या करो, पहले 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो 2 kg ब्लॉक के लिए ये कितना आएगा, ये 2 kg का ब्लॉक इधर बनेगा 25 newton का फोर्स, सॉरी 35 बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा रुको ताकि क्लियर हो जाएगा सारी चीज। और इस तरह एक फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कितना था हमारे पास, ये 8 newton था ना, 8 newton, ये 8 newton, तो ये कॉमन एक्सेलरेशन ए पे जाएगा, तो मेरे पास जो नेट फोर्स वो कितना आएगा, 35 - 8 एक्सेलरेशन आएगा, 35 - 8/2 आएगा, जो कि बनेगा 27/2 आई गेस, सही है। 35 - 8 मतलब 27, हाँ 27 है ना, 5 27 meter per second square में ये इतना एक्सेलरेशन में जाएगा, वो सच में उतना एक्सेलरेशन नहीं जाएगा। और अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, किस ब्लॉक का, 5 kg ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो उस केस में कितना आएगा, ये 5 kg का ब्लॉक इस तरफ, क्योंकि 8 newton फोर्स अप्लाई हुआ, इस तरफ 8 newton का फोर्स अप्लाई हुआ, तो डेफिनेटली ये वाला इस तरफ भी एक फोर्स अप्लाई होगा, वो भी 8 newton का आएगा। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेट फोर्स डिवाइड बाय 5, ये आपका आंसर आएगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएंगे। क्या इसमें समझ में आया आपको, मतलब ज्यादा फोर्स होगा तो मूव नहीं करेगा, मूव करेगा बट उसके साथ मूव नहीं करेगा। आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा तो रहा हूं, मैं आपको दिखा तो रहा हूं, देखो इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, मैं अगर स्लो स्लो जा रहा हूं तो दोनों ही मूव कर, दिख रहा दोनों मूव कर रहे, चलो ये देखो कर रहे, बट मैंने जैसे इसको ऐसे खींच लूंगा ज्यादा फोर्स दे दिया तो मूव नहीं किया, 5 kg ब्लॉक का नहीं समझा। हाँ वैसे रुको, आप बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ जाओगे, 5 kg ब्लॉक के लिए, 5 kg ब्लॉक के लिए क्या होता है, नीचे तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, इसका तो म्यू जीरो है, एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर इसके अंदर अगर फ्रिक्शन फोर्स 8 newton इस तरफ एक्ट हुआ तो डेफिनेटली इस तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स 8 newton होगा। 5 kg ब्लॉक के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं है, एक ही फोर्स सिर्फ 8 newton का, तो वो 8 newton का फोर्स है, इसको इस तरफ खींचेगा, तो नेट फोर्स कौन सा, 8 newton इस तरफ है और मास कितना 5, तो 8/5 कितना आएगा, ये आपका एक्सेलरेशन आएगा, और क्या, उसको फोर्स ही अवेलेबल नहीं, मैं क्या करूं, समझे क्या। हाँ ओके रुको, है ना बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा एक काम कर दे, मैं काम कर दूँ ना, आपको और एक क्वेश्चन देता हूँ, आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए ना, आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, रुको एक मिनट, आपको और एक क्वेश्चन देता हूँ, इसमें इसी को उठाते हैं हम और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए। डिलीट, ओके ग्रेट, है ना। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैंने फोर्स, है ना, अगर मैंने फोर्स इतना दिया, क्या दूंगा फोर्स, फोर्स देता हूं आपको, फोर्स 35 नहीं, मान लो मेरे पास फोर्स है, पिछले बार में कितना था, पिछले बार में था हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स 10 था, ओके मान लो मेरे इस केस में आपको फोर्स दिया, मान लो मैं आपको 20 newton का फोर्स दिया, तो मुझे बताओ क्या दोनों ब्लॉक मूव करेंगे या नहीं करेंगे। अगर फ्रिक्शन लिमिटेड फोर्स रिक्वायर्ड विल बी सेम, देन सर देखेंगे ना, देखेंगे हम, देखेंगे रुको रुको रुको, एफ फ्रिक्शन कौन सा डायरेक्शन में है, सर अगर फ्रिक्शन लिमिटेड, रुको बट दोनों साथ में नहीं मूव करेगा ना, दोनों मूव नहीं करेगा, सर एफ कौन सा डायरेक्शन है, रुको रुको बता रहा हूँ ओके ये वाला क्वेश्चन, 20 newton का फोर्स है, तब ट्राई करो, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ क्या क्या, सर अगर फ्रिक्शन लिमिटेड एंड फोर्स रिक्वायर्ड विल बी द सेम, तो कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों एक साथ ही मूव करेंगे राधिका, ठीक है। अगर फ्रिक्शन मैं करवाऊंगा उस टाइप का क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जस्ट रुको, अगर फ्रिक्शन अगर दोनों का सेम होगा, मतलब फ्रिक्शन भी सेम है और एफ रिक्वायर्ड भी सेम है, तो मूव करेंगे, क्या दिक्कत है, वो तो लिमिटिंग वाला केस है ना, वो पूरा अपना जी जोर से मूव करवाए, ओके उसके बाद क्या बोल रही है, एफ फ्रिक्शन का कौन सा डायरेक्शन में, देख अथर इसके लिए ये 2 kg ब्लॉक के लिए, क्योंकि वो उस तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इस तरह लगेगा एफ, बट ये वाला फ्रिक्शन क्या, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो इस फ्रिक्शन फोर्स का जो रिएक्शन फोर्स किस कहां एक्ट होगा, ये फ्रिक्शन किसके वजह से हो रहा है, ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक की वजह से हो रहा है, तो इसके लिए अगर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन जा रहा है, तो इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन जाएगा, ऐसे समझ गए। अच्छा ये बोल रहे कि मूव नहीं, विल नॉट मूव, मृदु बोल रहे कि मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, देखते हैं, चलो देखते हैं। तो पहले काम मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, तो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए कितना आ रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन आ रहा है
20 अपॉन 7 न्यूटन का फोर्स आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है। अब हमें ये तो मेरा पहला केस है ना, मेरा पहला केस कि दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या सच में ये 5 केजी ब्लॉक को इतना फोर्स मिल पा रहा है, ठीक है। मतलब 5 केजी ब्लॉक को 20 अपॉन 7 मीटर पर सेकंड जाने के लिए क्या चाहिए, उसको जो एफ रिक्वायर्ड उसको फोर्स कितना चाहिए, उसको फोर्स चाहिए एम इंटू एक्सेलरेशन। तो एम कितना है, 5 इंटू 20 अपॉन 7 जो कि आएगा 100 अपॉन 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये कितना आया, ये बना 7, बाप रे बहुत उड़ा गए, 7 के 7 है 30 सच्चू 28 14 पॉइंट समथिंग 2 के आसपास आ रहा है, 14.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास आ रहा है। बट हमें पता है कि जो लिमिटिंग जो फ्रिक्शंस मेरे पास अवेलेबल है, जो मेरे पास फोर्स अवेलेबल है वो तो 8 न्यूटन का फोर्स अवेलेबल है 5 केजी ब्लॉक के ऊपर, तो डेफिनेटली ये दोनों ब्लॉक मूव नहीं करेंगे। मतलब विल नॉट मूव टुगेदर, ये दोनों ही मूव नहीं करने वाला, समझ गए। अगर दोनों मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो डेफिनेटली दोनों का मुझे अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो दोनों का अगर मैं अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो फोर्थ केस में अगर मैं 2 केजी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इस तरफ मैंने लगाया 20 न्यूटन का फोर्स, इस तरफ मैंने मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स है 8 न्यूटन का है, और इसका मास है 0.4 सॉरी मास कितना है, मास 2 केजी का है, और ये कुछ एक्सेलरेशन ए पे जाएगा, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेट फोर्स 20 - 8/2 आ जाएगा, जो कि 20 - 8 कितना आएगा, 12 आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये वाला 2 केजी वाला ब्लॉक मूव करेगा। व्हाट अबाउट 5 केजी, 5 केजी अभी भी उतना ही फोर्स में मूव करने वाला है जितना पहले ही मूव कर रहा था, कि उसका तो मैक्सिमम ही मूव, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना हो सकता है, 8/5 हो सकता है, ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये बहुत स्पीड से जा सकता है, इसको आप जितना फोर्स से खींचोगे वो उतना फोर्स में जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर इसके ऊपर, हाँ समझ गए ना, छोटे ब्लॉक का, हाँ अरे वाह ग्रेट, इसका देखो, इसका मतलब मैं जब इसके ऊपर से फोर्स एक्ट करूंगा ना, तो इसका जो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट रहेगा, वो डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है, बट इसका कोई लिमिट नहीं है, इसको मैं जितना फोर्स से खींचू वो इतना जोर से जाएगा, इसको अगर कम फोर्स से खींचे तो कम फोर्स जाएगा, बट इसका एक लिमिट है, इसको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव ही कर सकता है, उससे कम करेगा पर उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, क्यों, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लिमिटेड है, समझ गए ना, ये अगर समझ गए ना बस लाइफ जिंगर वाला, और क्या चाहिए आपको, और कुछ चाहिए नहीं आपको। तो इस तरफ कितना, इस तरफ 5 केजी का ब्लॉक है और ये 8 न्यूटन है, इसके ऊपर और नीचे तरफ तो कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके बाद ये एक्सेलरेशन ए पे मूव कर रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे गारंटेड कि आपको समझ में आया, कितने बच्चों नहीं समझा मुझे बताओ सर, एफ फ्रिक्शन न्यूटन, अच्छा सॉरी एफ फ्रिक्शन, हाँ ठीक है जान ले लो बच्चे को आप, 42 न्यूटन सही है ना, क्लियर है, हाँ कर दिया। अब देखो आप बारे बहुत सारा क्वेश्चन, टेंशन मतलब चील मार के बस सॉल्व करो। चलो मान लो ये वाला क्वेश्चन आपको गिवन है, लेट्स सपोज ऐसे, अब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि बताओ, देखो मैंने अभी आपको क्या दिखाया, मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन में दिखाया ये वाला क्वेश्चन है, जो 10 न्यूटन वाला फोर्स का क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या था, ये वाला क्वेश्चन में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा तो दोनों ही एक साथ मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड में, बट जैसे ही मैंने इसको फोर्स को बढ़ा दिया, जैसे मान लो फोर्स को मैं 35 कर दिया, तो दोनों ब्लॉक मूव नहीं किए, समझ रहे हो, उसका मान लो 20 न्यूटन किया फिर भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहे। तो ये पूछ रहा है कि बताओ भाई कौन सा वो मैक्सिमम, देखो क्वेश्चन दो ही प्रकार का आएंगे, एक प्रकार का आएंगे तो बताओ कि मैंने मान लो 35 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो दोनों का एक्सेलरेशन बताओ, या फिर क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम फोर्स कितना आएगा ताकि ये दोनों ब्लॉक मूव करे, मैक्सिमम फोर्स कितना आएगा ताकि वो दोनों ब्लॉक मूव करे। देखो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया था मैंने, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं क्या सच में ऐसे होने वाला है, ठीक है ना, आपको अगर दोनों को एक साथ लेके लेके चलना पड़ेगा तो ऐसे उठा तो ना, हाँ हो रहा है थोड़ा क्लियर, अरे क्लियर होगा, बस रुको है ना, बस रुको, थाम्बा। मतलब जब मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया था दोनों ही मूव किए, जब मैं 35 न्यूटन का अप्लाई किया तो मूव नहीं किए, जब मैं 20 न्यूटन का मूव किया तो दोनों भी एक्सेल मूव नहीं किए। तो वो पूछ रहे हैं भाई बताओ तो फिर कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करूं, मैक्सिमम फोर्स, ताकि दोनों सेम टाइम मतलब एक साथ मूव करें, ट्राई करो, 10 न्यूटन से तो मूव कर रहे हैं बट उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ये तो मुझे समझ में आया कि 20 न्यूटन से कम अप्लाई करना पड़ेगा, कि 20 न्यूटन अप्लाई करने के बावजूद भी ये दोनों मूव नहीं कर रहे थे एक साथ, तो थोड़ा कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आपको सोचना है कि कितना फोर्स अप्लाई करूं ताकि दोनों ही एक साथ मूव करें, इसके लिए क्या करें समझो अच्छे से। अच्छा मुझे बताओ प्रॉब्लम किसके साथ है, प्रॉब्लम तो 5 केजी ब्लॉक के साथ है, प्रॉब्लम तो 5 केजी ब्लॉक के साथ है, तो क्या करें, तो एक काम करते हैं, मुझे भाई पहले ये बता दो कि 5 केजी ब्लॉक कितना एक्सेलरेशन में जा सकता है,
जो 5 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन से, वो 5 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन से, ठीक है ना, वो कितना, वो 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। जब पहले बता दिया, क्योंकि उसके ऊपर कितना, एक ही तो फोर्स एक्टर है, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स कितना था, 8 न्यूटन था, वो कौन सा, इसके वजह से 8 न्यूटन का फोर्स आया था, तो फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन का था, एक्सेलरेशन 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। तो 2 kg ब्लॉक को भी 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही मूव करना चाहिए उसको, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब ये जो 8/5 सिर्फ 5 kg ब्लॉक का नहीं, 2 kg का भी होना चाहिए। उससे ज्यादा हुआ तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव नहीं कर सकते, उससे कम हुआ तो डेफिनेटली मूव करेंगे, बट फोर्स को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादा हुआ तो ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा पर दोनों ब्लॉक मूव नहीं करेंगे, कम हुआ तो फोर्स कम हो जाएगा और दोनों ब्लॉक ऑब्वियसली मूव करेंगे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके इसमें एक फोर्स को, सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करूंगा ताकि दोनों ही 8/5 पे मूव करेंगे। मतलब होल सिस्टम कैन एक्सेलरेट विथ 8 m/s², 8/5 m/s², उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ज्यादा होने से क्या, फोर्स ज्यादा होगा, दोनों मूव नहीं कर सकते। कम हो, नहीं होना चाहिए, कम होगा तो मैक्सिमम नहीं आएगा, ये कुछ और आ जाएगा। मतलब इसका मतलब जो पूरा सिस्टम का जो एक्सेलरेशन, ये जो मेरा पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये जो पूरा सिस्टम का जो एक्सेलरेशन वो कितना आएगा, वो बन जाएगा मेरे पास ये 7 kg का, इसका एक्सेलरेशन आना चाहिए 8/5। तो फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स, पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन है ना, तो नेट फोर्स कितना आएगा, फोर्स इक्वल आ जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये क्या आएगा 7 × 8/5, ये आ जाएगा 56/5 N का फोर्स अप्लाई होगा। क्या आपको ये बात समझ में आया, मुझे ब्लर दिख रहा, सबको ब्लर दिख रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, पूरी एक सिस्टम बननी चाहिए। हाँ क्लियर है, वाह ग्रेट ग्रेट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं ना, बहुत सारे तरीके। आप ये करो कि ये वाला, मतलब आपको तो पता चलेगा कि इसका इसका भी जो एक्सेलरेशन 8/5 होना चाहिए, तो एक काम करो, इसको एक फोर्स दो 8 N दो और F - 8/5 मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू इसका नेट फोर्स आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, मतलब F - 8 इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, 2 × इतना कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा निकाल देना। चलो अच्छा, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने क्या सोचा, आप देखो दोनों जगह फ्रिक्शन फोर्स है, इधर भी 0.4 है और इधर भी 0.3 है, और 10 N का फोर्स अप्लाई किया, बताओ क्या होगा, क्या ब्लॉक मूव करेंगे या नहीं करेंगे, क्या दोनों ब्लॉक मूव करेंगे नहीं करेंगे? अच्छा रिपीट करो क्वेश्चन। हाँ सुन मुर्दु, मैंने क्या बोला, मतलब ये 2 kg 5 kg का ब्लॉक है, इधर फ्रिक्शन फोर्स 0.4 है, इधर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो 0.3 है, तो बताओ क्या ये दोनों ब्लॉक मूव करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको बता रहे हैं। सोचते थोड़ा ना, थोड़ा सोचते। तो पहले का मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। मुझे इसमें डाउट है, पहले वाला डाउट था, पूछ लो। तो पहले काम तो मुझे करना पड़ेगा दोनों का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। निकाल दोनों का एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन कितना 10, नेट फोर्स 10 है और टोटल सिस्टम 7 है, तो 10/7 मीटर पर सेकंड में दोनों मूव करना चाहिए। प्रॉब्लम किसके साथ है, अच्छा इसमें, हाँ समझा रहा हूँ। अच्छा ओमकर बोले नहीं करेगा, चल देखते हैं ना, देखते हैं। प्रॉब्लम है क्या ये 5 kg ब्लॉक मूव कर सकते हैं 10 में, मतलब ये 10 m/s, 10/7 m/s² स्क्वायर में, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करें, काम करते हैं देखते हैं। अच्छा थोड़ा सोचो, पहले तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है। इस केस में ये वाला था, इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अभी भी कितना 0.4 × 8, ये अभी भी 8 N का फोर्स ही है, नहीं? बट और एक प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम क्या है, इधर एक फ्रिक्शन फोर्स भी तो है। तो मैं अगर 5 kg ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं 5 kg ब्लॉक का, तो ऊपर की तरफ तो एक फ्रिक्शन फोर्स जो कि 8 N है, नीचे की तरफ भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। प्रॉब्लम उधर है इसका, इसका प्रॉब्लम इधर है। क्या नीचे, पहले जमाने में, पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू 0 था, मतलब नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं था, इसके से नीचे फ्रिक्शन आ गया, तो गड़बड़ है, महागड़बड़ है इसमें। तो क्या अगर नीचे भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स वो कितना आएगा, वो आएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब इस केस में म्यू तो 0.3 था, बट नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 70 N है, क्योंकि इसका भी मास तो अप्लाई होगा ना, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन 70 है, 2 + 5 = 7 है ना, 70 N का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इस केस में 0.3 × 70 N जो क्या आएगा 21 N। तो इधर इस ब्लॉक के ऊपर
इधर अप्लाई हो रहा है 21 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और ये वाला ब्लॉक उसको 8 न्यूटन पे खींच रहा था, तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। ये वाला ब्लॉक तो बोलेगा भाई तू भाड़ भी जा, ये तो 21 से मुझे से खींच के रख रहा है, तू तो 8 से खींच रहा है, ज्यादा से खींचेगा तो कुछ कर सकता हूं मैं, नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये वाला 5 kg ब्लॉक तो मूव ही नहीं करेगा, 5 kg ब्लॉक विल नॉट मूव। समझ गए? अच्छा तो 2 kg ब्लॉक मूव करेगा? हाँ करेगा भाई। क्यों करेगा? क्योंकि इधर मैं 10 न्यूटन से खींच रहा हूं और इनके अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन है, तो 2 kg ब्लॉक बोलेगा भाई मैं तो जा रहा हूं तू मत जा, मुझे क्या, 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ है, इधर है 8 न्यूटन का फोर्स और इसका मास है 2 kg, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 10 - 8/2, जो कि आएगा 2/2 आ जाएगा 1 m/s² का एक्सेलरेशन में ये वाला मूव करेगा 2 kg ब्लॉक, और जो 5 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन 0 आएगा। समझे? वाह वाह ग्रेट ग्रेट, हाँ यस 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 सही है सही है सही है। 5 kg ब्लॉक का जो नीचे वाला सरफेस है ये, समझ गया ना? हाँ समझ गया। मुझे तो 50 न्यूटन की आ रहा था। चलो बहुत सारा कुछ टेंशन मत लो। अच्छा अब मुझे बताओ, जैसे मैं आपको बता रहा था, अब मुझे बताओ ये तो वही वाला केस होगा ना, मैं आपको समझा था ना, ये वाला चीज देखो, ये वाला चीज समझो। इस केस में क्या हुआ, ये वाला जो फ्रिक्शन मतलब कोएफिशिएंट वो कम है, कम तो है बट, और ये थोड़ा ज्यादा भी है, फिर भी इनके अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स वो ज्यादा लग रहा है, देख रहा है, ये वाला जो फ्रिक्शन वो ज्यादा लग रहा है और ये वाला फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है। ये तो 8 का था, ये तो 21 का है, तो कैसे मूव करेगा? बट मुझे ये बताओ, मान लो मुझे तो नहीं, मैंने जो मूव ही करना है, मुझे नीचे वाला ब्लॉक को मूव करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? ये वाला जो किसके अंदर, ये वाला जो फ्रिक्शन है ना, ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ेगा और कौन सा फ्रिक्शन घटाना पड़ेगा? मुझे ये वाला फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ मृदु गलत होगा ना, मृदु गलत हो गया, ठीक है ना। बताओ इसमें से आंसर क्या आएगा, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? अगर मुझे दोनों ब्लॉक मूव करवाना पड़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? जल्दी बताओ, बढ़ाना या घटाना, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, मतलब फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स शुड बी ग्रेटर देन ये वाला साइन। जब ये फ्रिक्शन बढ़ाऊंगा तभी जाके ये क्या, ये 21 से जब ज्यादा होगा तभी बोलेगा हाँ भाई आप जाते हो ना, आप जाते हो। वो मैंने कैसे किया, वो मैंने ऐसे किया, देखो ये वाला तो बहुत स्मूथ सरफेस था, ये वाला बहुत स्मूथ सरफेस था, जान मूव नहीं कर रहा था मैं, जितने भी कर, देखो मैं सच में मतलब मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं ऐसे थोड़ा तो मूव कर रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, जा ही नहीं रहा है क्योंकि स्मूथ सरफेस है मेरा मोबाइल को, ये वाला ना, ये वाला बहुत रफ है, देखो अब मूव किया, दिख रहा है आपको, मतलब मूव करेगा, थोड़ा सा फ्रिक्शन गड़बड़ तो होता है, ठीक है ना, इसलिए मूव करेगा। तो डिटो वही चीज, तो हमें काम करते हैं, मैंने क्या किया, पूरा कंडीशन सेम ही रखता हूं, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट घटा दिया और इस को बढ़ाता हूं, दिख गया ये 0.3 था, अब इसको मैं 0.1 का 0.8 किया, अब इसको 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, देखो अभी अभी करेगा नहीं करेगा, चेक करो मूव करेगा नहीं करेगा। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, सब कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करो, आपको एक मिनट टाइम, अगर करेगा तो एक्सेलरेशन बताओ, अगर नहीं करेगा तो भी एक्सेलरेशन बताओ, दोनों कैसे बताओ? भावेश बोल रहा है कि करेगा, तो एक्सेलरेशन बताओ, अगर दोनों एक साथ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन बताओ, कॉमन एक्सेलरेशन, अगर दोनों मूव नहीं करेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा हमें, है ना, नहीं एक्सेलरेशन बताओ, नहीं मुझे पता नहीं कि होगा नहीं होगा, फंडा समझो, ये अप्लाई कर सकते हो आप रियल लाइफ में, अप्लाई कर सकते हो। ओमकार बोले दोनों एक साथ मूव नहीं करेगा, अच्छा पता नहीं, चेक करना पड़ेगा मुझे। परिमल करेगा तो करेगा तो एक्सेलरेशन बताओ, कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा, अगर करेगा तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर नहीं करेगा तो कॉमन कितना नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ बताओ, सब कुछ बताओ। लास्ट स्लाइड जान देख, लास्ट स्लाइड में क्या था, एक मिनट, हाँ काफी है, 12 सेकंड बचा दिए। अच्छा समझो अच्छी तरह से फंडा को, 4 सेकंड बचे हमारे पास, 3, 2, 1 टाइम अप। चलो आपका पहला क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। एक्चुअली जैसे कल थोड़ा अखे ओमकार को आया एक्सेलरेशन 10/7 सही है, नहीं करेगा मूव,
क्वेश्चन दिखाओ, मतलब क्वेश्चन दिखा दो, दिखा दे क्वेश्चंस कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, करेगा। हाँ यस, चेक करते ना, चेक करते। तो पहले काम तो मुझे मान लेता हूँ कि दोनों ही एक है मेरा, ठीक है, दोनों ही मेरा एक ही है। तो दोनों ब्लॉक अगर सेम आ जाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा 7 kg का ब्लॉक है, इनका कॉमन एक्सेलरेशन आएगा। तो मान लेता हूँ कि कॉमन एक्सेलरेशन कितना है इनका, 10/7, 10/7 m/s² दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब क्या सोचूं, प्रॉब्लम किसके साथ है? अच्छा, दोनों का पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेता हूँ। मान लो ये वाला हमारे पास फ्रिक्शन, ये वाला इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक और फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस। तो फ्रिक्शन ब्लॉक का निकालते हैं, ब्लॉक दोनों ब्लॉक के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स वो निकाल लेते हैं, ठीक है। वो कितना आएगा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू है 0.8, नॉर्मल रिएक्शन कितना, इसका आ गया क्या 16 and 7? अब क्लियर हुआ? हाँ करेगा शायद, शायद करेगा, बहुत ब्राइटनेस हुआ। अरे अभी ब्राइटनेस हुआ क्या सर? हाँ वाह, मिलन सही है, सही है, राधिका भी सही है, गुड गुड। ब्लॉक, अरे सबको पब्लिकली भेजो ना, पब्लिकली भेजो। ये तो ब्लॉक के अंदर कितना आ जाएगा, 8 × 16 कितना आ जाएगा, 8 × 16 6 N का फोर्स आ रहा है, 16 आ रहा है ना, 16 आ रहा है, सॉरी ये वाला 16 आ जाएगा ना, 16 आ जाएगा, 16 N का फोर्स आ रहा है। अच्छा सरफेस के अंदर ये वाला फोर्स कितना आएगा, वो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन आएगा, म्यू का वैल्यू है 0.1, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन का 70 N, तो कितना आएगा, ये 7 N का फोर्स आया। अच्छा हाँ, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि इधर इधर आपके पास कितना है, इधर आपका ये वाला जो फोर्स है, ये वाला आपका 7 N का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये वाला इधर आपका 16 N का फोर्स अप्लाई हो रहा है। अच्छा देखते हैं अभी, है ना, अभी देखते हैं कि 5 kg ब्लॉक को, 5 kg ब्लॉक को इतना 10/7 जो मतलब इसमें इसके 5 kg ब्लॉक के ऊपर जो रिक्वायर्ड फोर्स, पहले तो देखते हैं कि रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, 5 kg ब्लॉक का एफ रिक्वायर कितना है, एफ रिक्वायर है मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, मास कितना है 5 kg और एक्सेलरेशन 10/7 था, तो 10/7 तो ये बन जाएगा आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, गड़बड़ कर दिया हम लोग, अगर पूरा सिस्टम भी लो ना, गड़बड़ हो गया, ये कॉमन एक्सेलरेशन नहीं आएगा बाबा, ये कौन नहीं आएगा कॉमन एक्सेलरेशन, गड़बड़ किए हमारे पास जो कॉमन एक्सेल, अगर मैं पूरा सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ ना, तो ये तो इंटरनल फोर्स आएगा, बट ये तो ना इंटरनल फोर्स होगा, ये इंटरनल फोर्स नहीं होगा ना, समझ रहे आप, ये वाला इंटरनल फोर्स नहीं होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स आएगा, ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा। बट अगर मैं इसका इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया बाबा, ये 7 kg इस तरफ एक फोर्स जो कि सरफेस वाला फोर्स लग रहा है, और इधर एक 10 N का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, और ये 10 F7 कितना है, वो 7 N का फोर्स है। सर ऊपर वाले ब्लॉक में स्टैटिक फ्रिक्शन सब स्टैटिक है, सब देखते रहे, इधर कोई स्टैटिक गारंटी कुछ भी नहीं है। हाँ थोड़ा गलत होगा ना, 10/7 कैसे आएगा, तो फिर हाँ? तो इसमें जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो 10 − 7/7 आएगा, जो कि 3/7 आएगा। थोड़ा गड़बड़ कर दिया हम लोग, कंफ्यूज हो रहा है, मुझे पता है मेरा ही गलती हो गया, गड़बड़ हो गया, है ना, क्लियर में ये बात चीज क्लियर करो, मैं बोल रहा हूँ फिर से ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि हमें ये वाला तो एक्सटर्नल फोर्स लेना था, ये तो इंटरनल फोर्स हो गया, दो तरह ऊपर नीचे फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा, वो कैंसिल हो गया, बट एक्सटर्नल फोर्स अभी भी ये तो है। तो एक्चुअली पूरा सिस्टम मेरा 3/7 m/s में अगर मूव करना चाहिए। अब हम इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर इसको एक्सेलरेशन तो फिर कितना चाहिए, 3/7 चाहिए, 10/7 नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर एक अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में कितना आएगा, ये बनेगा एक्सेलरेशन, कितना था एक्सेलरेशन, 3/7 था, मतलब इसको चाहिए 5 × 3 = 15, 15/7 N का फोर्स चाहिए, मतलब इसको चाहिए 7 × 14 2.1 N के आसपास चाहिए, है ना, आसपास है ना, एफ रिक्वायर्ड। पर इसके पास है क्या, हाँ है, कैसे पता चला, इस 5 kg ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, 5 kg ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो वो कैसे बनेगा, इस तरफ तो 16 N का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इधर हो रहा है 7 N का फोर्स, तो उसके बाद जो एफ नेट, एफ अवेलेबल है, वो कितना अवेलेबल है, 16 − 7 जो कितना, 9 N है, 9 N इसके पास फोर्स है, बट इसको चाहिए 2.1 N, तो डेफिनेटली दोनों मूव करेंगे, और दोनों का ही कॉमन एक्सेलरेशन आएगा, वो कितना आएगा, 3/7, तो बोथ विल मूव टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन कितना आएगा, वो एक्सेलरेशन आएगा 3/7 m/s, समझे, हाँ समझा दो, 9 N को, हाँ 9 N, सुनो परिमल ध्यान से एक बार सुनो,
जब मैं इस सिस्टम का पूरा फ्री बोर्ड डायग्राम बनाऊ ना, ध्यान सुनो एक्चुअली थोड़ा सा बस मैं ध्यान नहीं दिया, सारा गड़बड़ी इधर हुआ। देखो जब मैं इसको 2 kg और 5 kg ब्लॉक है मेरे पास, है ना, ये वाला मेरे पास 7 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक तो इंटरनल फोर्स हो गया, ये वाला फोर्स तो इंटरनल हो गया, इसके ऊपर एक फोर्स इधर एक्ट हो रहा है जो कि 10 N का फोर्स है, और एक फोर्स है वो कौन सा, नीचे वाला, ये वाला फोर्स तो एक्ट होगा ना, फ्रिक्शन फोर्स। हाँ, ये वाला इंटरनल फोर्स है, बट एक्सटर्नल फोर्स अभी भी तो है ना सरफेस के अंदर, वो फोर्स कितना 7 N का था, तो इस तरह फोर्स 7 N भी तो आएगा, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स आएगा एफ नेट बनेगा 10 - 7 आएगा 3 N, तो एक्सेलरेशन आएगा 3 upon मास 7 याद है, ये एक्सेलरेशन को ध्यान दो, ठीक है। ओ हाँ, फ्रिक्शन का आप समझे, ओके। सो म्यू बिटवीन टू ब्लॉक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये देखना अच्छे से। चलो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, खुद ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करो, बस इधर ही हम रखते हैं क्योंकि मुझे बहुत सारा क्वेश्चन आपको डिस्कस भी करना है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आपको दो मिनट टाइम दो, एनालिसिस करो क्या होगा क्या नहीं होगा, खुद एनालिसिस करो, पहले खुद एनालिसिस करो और मुझे बताओ सर ये होने वाला ये नहीं होने वाला। पहला चीज दोनों का मतलब पूरा कॉमन फ्री बोर्ड डायग्राम बनाओ और बताओ कि होगा नहीं। पिछला स्लाइड लो, पिछला स्लाइड, सर 2 kg ब्लॉक राइट में मूव नहीं करेगा क्या? करेगा ना, दोनों का एक्सेलरेशन आएगा, जान इस केस में दोनों का ही एक्सेलरेशन आएगा, वो कितना एक्सेलरेशन वो आएगा, देखो 2 kg अगर मैं 10 N का फोर्स अप्लाई किया तो डेफिनेटली 2 kg ब्लॉक तो मूव करेगा, बहुत स्पीड से मूव कर सकता है, बट वो 3/7 m/s में मूव करेगा क्योंकि वो इसको भी लेके जाएगा, दोनों को ही लेके जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गया फ्रिक्शन फोर्स, है ना, इसलिए उससे जाना पड़ेगा। हाँ ज्यादा फोर्स तो ऊपर है, डेफिनेटली ज्यादा फोर्स ऊपर है, बट इस केस में ज्यादा फोर्स ऊपर होने के बावजूद भी ये उसको खींच के भी तो रखेगा ना, इसको खींच के रखेगा ना 5 kg ब्लॉक, इतना फ्रिक्शन फोर्स जाएगा कहाँ, जाएगा नहीं वो, अगर अगर मतलब थोड़ा फील करो इस चीज को क्या, अगर सरफेस अगर रफ होगा तो वो पकड़ के रखेगा, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी जल्दी, नेक्स्ट वन दिखाइए, नेक्स्ट वाला, हाँ देखो देखो जल्दी, अच्छा टाइम 49 seconds बचे अभी भी, 48 seconds, ट्राई करे सोचे क्या होगा। अच्छा ओमकार का आया 12/7 आया, परिमाल का 26/7 आया एक्सेलरेशन, बट पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये दोनों ब्लॉक मूव करेंगे। सर फ्रिक्शन फोर्स गिवन फोर्स ज्यादा हुआ तो ब्लॉक कैसे मूव करेगा, कौन सा चाहिए आपको, मतलब इसमें पूछ रहे हो या फिर पहले वाले में पूछ रहे हो, इसमें तो कम है ना, ये 10 है और 7 है तो मूव करेगा डेफिनेटली, क्यों नहीं करेंगे। लास्ट वाले में नहीं, फ्रिक्शन फोर्स का है इधर 7 एक्ट हो रहा है ना, ये तो अंदर वाला काम है ना, अंदर वाला काम है, वो अंदर 21 दे ही नहीं रहा उसको, फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, अगर ये एक्सेलरेशन अगर 10 मतलब 3/7 पे जाएगा ना तो इसका तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम हो जाएगा, वो 21 इस केस में ये जो 16 N का फोर्स तो अप्लाई ही नहीं हो रहा है, वो कम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन कम में जा रहा है, मूव करेगा। चलो देखते हैं मूव करेगा नहीं करेगा, देखते हैं, सोचना अच्छे से, है ना, सोचना क्या सच में ऐसा होगा, फ्रिक्शन फोर्स वेरी करता है बता रहे हैं हम आपको, ठीक है, बता रहे हैं आपको। चलो देखते हैं, तो पहले मैं क्या करूं, पहले दोनों को कॉमन सिस्टम मान लेता हूं, कॉमन सिस्टम अगर मैं मानूं तो ये वाला बन रहा है आपका 2 kg का ब्लॉक और ये बन रहा है आपका 5 kg का ब्लॉक, तो 7 kg का ब्लॉक ऊपर एक 40 N का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये वाला 40 N का, अच्छा ये वाला तो इंटरनल फोर्स आ गया, चलो फिर भी इस केस में जो ब्लॉक के अंदर फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, नॉर्मल रिएक्शन मतलब 0 म्यू टाइम्स ऑफ, ये कितना आ जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, कितना नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 20, तो बन जाएगा 6 × 12 जाएगा 12 N का फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये एफ बी है, ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाई होगा, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना 0.2 × नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा 70, तो 7 × 14 ये वाला फोर्स आ रहा है 40 N का फोर्स आ रहा है, डेफिनेटली ये वाला ब्लॉक मूव ही नहीं, ऐसे ही पता चला कि ये वाला ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, इधर अगर इसको 12 से खींचेगा, इधर अगर 40 से खींचेगा तो मूव ही नहीं करेगा ब्लॉक, ऐसे ही दिख रहा है ना, तो इस तरह का एक फोर्स आएगा, ये आएगा 40 N, ये मूव नहीं करने वाला, दोनों ही मूव नहीं करने वाले तो ऐसे ही पता चल गया, हाँ नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल 40 - 12 कैसे करोगे, इस तरह 12 इस तरह 40 है तो मूव ही नहीं करेगा, है ना, मूव नहीं करेगा। फिर भी अगर मेथड से जाए तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा, कॉमन एक्सेलरेशन आएगा 40 N, 40 डिवाइड बाय कितना आएगा, 40 - 14 डिवाइड बाय जाएगा 7, जो कि 40 - 14 कितना आएगा, 14 40 - 14 आ जाएगा 10 6,
छः बनेगा और ये चार तीन 26 अपॉन 7 आ रहा है, इतना फोर्स है ना, इतना फोर्स एक्टर है। बट प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम तो ये तो मूव नहीं कर रहे है ना, दोनों मूव नहीं कर रहे, क्योंकि इसको इसको जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 5 × 26 देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है ना, एफ रिक्वायर्ड, एफ रिक्वायर्ड कितना आएगा, एफ रिक्वायर्ड आएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास कितना है 5 kg इंटू आ जाएगा एक्चुअली 26/7, बहुत बड़ा हो रहा है जो भी है ना, कितना आएगा छिपे 30 × 0 = 10 = 130 आ रहा है, जो कितना आ जाएगा 18 point something newton फोर्स आना चाहिए, इतना फोर्स उसको अप्लाई देना चाहिए, इसको रिक्वायरमेंट है। बट 5 kg ब्लॉक के पास कितना फोर्स है, 12 मतलब फोर कुछ है ही नहीं, कम है ना, बहुत कम फोर्स है, इधर 12 खींच रहा है, इधर 14 खींच रहा है, उसका सही नहीं, उसको इतना फोर्स चाहिए अभी भी, तो नीचे वाला ब्लॉक तो मूव नहीं करेगा। तो 2 kg ब्लॉक अगर सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो 2 kg के लिए इधर 40 newton और इधर आएगा आपके पास 12 newton, तो सिंपली कितना आएगा 40 − 12, एक्सेलरेशन कितना आएगा 40 − 12 डिवाइड बाय मास कितना 2, तो सिंपली आ जाएगा ये आ जाएगा कितना 28 अपॉन 2 आ जाएगा, जो कि 40 newton आ जाएगा, मतलब 14 m/s² मूव करेगा, मतलब जहां तक उधर रह जाएगा वो मूव ही नहीं करेगा। और एक क्वेश्चन, हाँ सही सही, वाह ग्रेट ग्रेट, ऊपर का मूव, हाँ ऊपर का मूव करेगा, पर ऊपर ये 26/7 में मूव नहीं कर, क्यों, यही मूव नहीं कर रहा है, ये अगर मूव करता तो ये इसको लेके चलता, बट जा ही नहीं रहा है, जाए तो क्या करे, समझ गए ना। देखा 26 क्यों, 14 newton का फोर्स एक्ट हो रहा है ना, 14 और इस तरह 12 है, तो 14 − 12 आएगा क्या, है ना, पर नीचे का, ओ हाँ, अरे बाबा नीचे का फ्रिक्शन इसके लिए थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम में लूंगा, मैं जब पूरा सिस्टम लूंगा तब इसका नीचे का फ्रिक्शन लूंगा, जब मैं इसको ही सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि ये तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता अभी, अरे फ्रिक्शन पर ये दोनों के ऊपर काम करेगा, जब ये दोनों ही मूव करेंगे तो नीचे का फ्रिक्शन फोर्स लूंगा, हाँ वही डाउट था, समझ गए ना, सिस्टम कौन है, सिस्टम 2 kg ब्लॉक का सिस्टम, आप समझो पहले सिस्टम कौन है, ठीक है ना, सिस्टम इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स यही एक्ट होगा, जब मैं इसको पूरा कंसीडर करता हूं ये वाला कंसीडर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको कंसीडर करूंगा, 14 को ही कंसीडर करूंगा, तो इसलिए मैं 14 - ये कर रहा हूं, हां समझो इस चीज को ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे बहुत अलग अलग वेराइटीज का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैं आपको स्ट्रेस कर रहा हूं। अच्छा एक बार ट्राई करो, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, आई थिंक आप समझ गए होंगे, सो दैट्स व्हाई मैं इसको मिटा देता हूं, लिख लिया मैंने, देखो स्क्रीनशॉट उठा रहा है ना, फिर क्या करें, इसको दूसरे में लोगे, इसको दूसरा, बाप रे, अरे मैं तो बहुत सोच रहा हूं, कॉपी एंड पेस्ट, हाँ पेस्ट हो गया, ओके हाँ भाई, ये वाला सोचो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन में क्या डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको, देखो पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, ये 40 newton इधर फ्रिक्शन फोर्स था, अब ये चेंज कर दे 0.1 0.2 कर दे तो क्या हो, क्या मूव करेगा, क्या आप कर लिए आंसर डायरेक्टली, आंसर डायरेक्टली लिए पिछले, समझो और सॉल्व करो आप ये वाला, अभी मैं क्वेश्चन चेंज करो, फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग दिया हूं दोनों केस में, 0.9 0.2 है, तो ट्राई करो एक बार क्या होगा, ट्राई करो बताइए, लास्ट क्वेश्चन है का, हम लोग कल और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आते हैं नीट पे तो डेफिनेटली इसके लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है, बट सिंपल है, एक बार थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत जाता है, थोड़ा सा दिक्कत जाता है, थोड़ा सा दिक्कत जाता है, कुछ कारण नहीं होता है, सबका फ्री बॉडी डायग्राम मुझे तेरा आंसर हमेशा शायद क्यों होता है, शायद क्यों होता है, एग्जैक्टली बताओ सर, करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, हाँ डाउट सुन कल है पत्थर बिल्कुल करेगा, अच्छा और एक्सेलरेशन निकाल दिया दोनों, सही है देखते हैं, तो पहले चीज तो मैं दोनों को कॉमन सिस्टम मानना पड़ेगा, अच्छा पहले मैं दोनों का फ्रिक्शन निकालता हूँ, दोनों को फ्रिक्शन निकालता हूँ, तो इस केस में जो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स आएगा ब्लॉक का वो कितना आएगा 0.9 μ × नॉर्मल रिएक्शन कितना 20 आएगा, तो 18 newton का फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, ये वाला ब्लॉक के अंदर फ्रिक्शन फोर्स ये वाला इतना 18 newton है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैक्सिमम 18 newton का फोर्स अप्लाई हो सकता है। अच्छा इस केस में सर्फेस का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना आएगा, वो बनेगा म्यू 0.2 × 7 आ जाएगा ना, तो 7 × 14 ये आ रहा है 40 newton, हाँ तो
तो डेफिनेटली मूव करेगा डेफिनेटली करेगा। अब कितना एक्सेलरेशन में करेगा वो हमें देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। और सच में उसके पास है या नहीं वो सब कुछ चेक करना पड़ेगा, पता नहीं है ना, पता नहीं मूव करेगा भी नहीं करेगा, वो चेक करना पड़ेगा हमें। ये ऐसा नहीं कि दोनों का फोर्स अगर सेम हो, मतलब डिफरेंस होगा तो मूव करेगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। चेक करना पड़ेगा मूव करेगा नहीं करेगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन पहले निकालते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को पहले कॉमन सिस्टम मान लेता हूं। तो कॉमन सिस्टम मानूंगा तो क्या बनेगा, ये आपका 7 kg का ब्लॉक है और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि 40 N का फोर्स है। मुझे पता नहीं करेगा नहीं करेगा, आई हैव टू रियली चेक कि सच में नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ये दोनों तो हाँ सर फ्रिक्शन दो निकालते। तो इस केस में कितना, इस केस में ये 40 N का फ्रिक्शन नीचे आ रहा है, ये वाला इंटरनल फोर्स है कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, उनको मुझे कंसीडर नहीं करना है। तो इस केस में जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 40 - 14 डिवाइडेड मास कितना 7। तो 40 - 14 कितना आएगा, 10 से 4 गया 6 और ये एक्चुअली मुझे कुछ आसान लेना चाहिए, 47 से कट जाना चाहिए, चलो ठीक है अगले बार पक्का कर लूंगा। तो आएगा 3 - 1 = 20, 26/7 m/s में मूव करना चाहिए। अच्छा पिछले वाले वही था क्या, 0.2 था, ओके ठीक समझ गया ना, ये 26/7 m/s में मूव कर रहा है, चलो गुड बहुत बढ़िया। अब हमें देखना पड़ेगा क्या 5 kg ब्लॉक के पास इतना फोर्स है, मतलब 5 kg ब्लॉक को जो रिक्वायरमेंट हो, जो फोर्स का रिक्वायरमेंट है एफ रिक्वायर्ड फॉर 5 kg ब्लॉक, वो कितना आएगा मास टाइम्स में एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, मास तो 5 है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 26/7 है। तो ये कितना चाहिए उसको, उसको कितना फोर्स चाहिए, उसको फोर्स चाहिए 36, ये कितना आया था उसमें 18 N आया था, 18 N आया था, इसको इतना फोर्स चाहिए। पर क्या 5 kg ब्लॉक के पास उतना फोर्स है, हाँ अब क्या हुआ, अब क्या हो गया अब क्या हो गया, हाँ अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं होगा भाई, नहीं होगा डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 kg ब्लॉक के ऊपर जो कितना फोर्स है उसके, मतलब 5 kg के ऊपर, आप ऐसे देख लेगा 18 - 14 शायद मूव कर जाएगा, ऐसे क्यों करेगा भाई, दोनों साथ में थोड़ा मूव करेंगे समझ रहे हो आप चीजों को, उसको रिक्वायरमेंट कुछ और चाहिए और क्या तो 5 kg, वो जो 5 kg ब्लॉक के पास उसको 8 N चाहिए था, 80 N चाहिए, बट है ही नहीं उसके, ये खा जा रहा है, ये तो 40 तो ऐसे ही खींच के रख रहा है, तो नहीं जाने दूंगा मैं, समझ रहे हो। मैं अगर इधर अगर कोएफिशिएंट ज्यादा बढ़ा भी रहा हूं ना, फिर भी नीचे इसको खींच के तो रखेगा ना वो, बोला मैं तेरे को नहीं नहीं जाने दूंगा, पर इसके ऊपर कितना फोर्स है, 70 N का फोर्स है, जस्ट इमेजिन। तो इधर है आपका 80 N और इधर है आपका 40 N, तो उसके पास जो एफ अवेलेबल है वो कितना है, वो 4 N ही है, उससे ज्यादा नहीं है उसके पास, तो कैसे मूव करेगा, मूव कर ही नहीं सकता है। तो डेफिनेटली बोथ द ब्लॉक्स विल नॉट मूव, दोनों ब्लॉक मूव ही नहीं करेंगे सर ये क्या है समझ गए ना, सिर्फ 18 और वो अगर ज्यादा इधर हुआ तो डेफिनेटली वो मूव नहीं करता, वो तो अलग बात था, बट अगर ये बड़ा भी हुआ, मैं आपको बहुत सारा अलग अलग कैसे दिखा रहा हूँ ताकि आप मतलब माया में ना गिरे, फिर आप कृष्णा की तरफ हमेशा रहे, समझे इस चीज को। तो डेफिनेटली ये वाला ब्लॉक मूव नहीं करने वाला क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट इतना था, है ना। तो अगर देखो इसका समझो, आप सुनो, आप सुनो 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 न्यू आपका ब्लॉक चुका जो सब समझ गए ना, तो इसलिए ये दोनों मूव एक साथ मूव नहीं करेंगे, बट इसका मतलब क्या दोनों मूव नहीं करेंगे, हाँ मूव तो करेंगे, मूव तो करेंगे, ये अलग मूव करेगा, ये अलग मूव करेगा, ट्विस्ट कहानी में ट्विस्ट आ गया, दोनों बोथ ब्लॉक विल नॉट मूव टुगेदर, ये दोनों ब्लॉक मूव नहीं कर, एक साथ मूव नहीं करेंगे, समझो एक साथ मूव नहीं करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये मूव ही नहीं करेगा, ये मूव करेगा बट दोनों एक ही एक्सेलरेशन में मूव नहीं करेगा। अब फिर से ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया फिर से, और मैं एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, समझे इस चीज को। तो हम पहले 2 kg ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अच्छा लाइट जाने वाला है, रुको रुको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, रुको पहले मैं सेव कर लेता हूँ, बोलो कल पढ़ेंगे तो सेव तो कर लेता हूँ, पहले लाइट जाने वाला है, अभी लाइट जाने वाला है, हाँ सेव हो गया, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ मूव करेगा बट एक्सेप्ट मूव, अब देखते जब जब तो चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, हमें क्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो जब मैं 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो वो क्या, इस तरफ जाएगा फोर्स, इस तरफ कितना फोर्स है, इस तरफ 40 N का फोर्स है,
और इस तरफ एक फोर्स वेक्टर है, वो कौन सा, वो आपका 80 न्यूटन, देखा ये वाला 80 न्यूटन है, 80 न्यूटन है। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 40 माइनस 18 डिवाइडेड मास कितना 2, मतलब ये बनेगा 40 माइनस 18 कितना आएगा, 40 माइनस 18 आएगा 40, तो ये 2 आएगा और ये 3, 4 माइनस 1 आएगा, 3 माइनस 1 आएगा 2, तो ये आएगा 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और नीचे वाला ब्लॉक अगर 5 केजी ब्लॉक अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ये 5 केजी ऊपर जा रहा है 80 न्यूटन का फोर्स और इस तरफ जा रहा है आपका 40 न्यूटन का फोर्स, तो इसके जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 18 माइनस 14 डिवाइडेड 5, मतलब इसका एक्सेलरेशन आएगा 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे। हाँ सर रोज एक बार समझ गए ना, हाँ अब हुई ना बात। तो वैसे बहुत सारा अलग अलग चीजें हैं, तो हम लोग कल इसके बारे में और डिस्कस करने जाता है, ये सारी चीजें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजें, तो हम लोग बहुत सारे कंडीशन देखेंगे, नया नया कंडीशन देखेंगे। आज हम क्या क्या कंडीशन देखे समझो अच्छी तरह से, हम लोग ये सारे कंडीशन देखे। पहला कंडीशन हम लोग देखे कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, है ना। पहले तो अगर ये दोनों के अंदर ब्लॉक के अंदर कॉफी अगर जीरो ही है तो दोनों ब्लॉक मूव ही नहीं करेंगे। अगर उसके बाद हम लोग देखे कि अगर कुछ थोड़ा फोर्स अप्लाई किया तो दोनों ही मूव करेंगे, अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो मूव नहीं करेंगे। तो दोनों केस में अलग 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 हुआ ना, अलग अलग, ये भी अलग मूव करेगा और ये भी अलग मूव करेगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आ गए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि दोनों केस में अगर ये तो देखा था, दोनों केस में अगर दोनों में ही फ्रिक्शन होगा, इसमें फ्रिक्शन इसमें फ्रिक्शन होगा, नहीं ये तो नहीं, इसमें और इसमें दोनों ही फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा। अच्छा इस केस में 8 न्यूटन, इसमें 21, तो ये तो कभी भी जिंदगी में मूवीज नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा हम लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा चेक किया है ना, इसमें थोड़ा बढ़ा है थोड़ा घटा है तो क्या हुआ, हम लोग चेक किए सारे चीज, है ना। यह था 16 और यह आया था कुछ 7। अच्छा हाँ इस केस में भी निकालना, इसका भी कुछ एक्सेलरेशन आएगा, वो 16 माइनस 7 आएगा, ठीक है। इसके वजह से कुछ एक्सेलरेशन आएगा, सिर्फ ये मूव करेगा है ना, बहुत मूव कर नहीं करेगा, बट इसमें 16 माइनस 7 अपॉन 5 आएगा, ऐसे निकाला था वो, चेक करना है ना, चेक करना, तो उसका भी एक्सेलरेशन आएगा। हाँ फ्रिक्शन में आथर में सिर्फ फ्रिक्शन आएगा। उसके बाद हम जब फोर्स को बढ़े तो क्या हुआ, कोएफिशिएंट को घटाए तो क्या होगा, है ना। ये सारी चीज हम लोग देखिए और कल भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिए है ना। टिल देन हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।